हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सर्दियों में प्रसाद में या चाय के साथ खाया जाने वाला पनीर पकौड़ा झटपट बनाए मेरे बताए रेसिपी से। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। के लिए मैं एक बॉल में एक कप बेसन, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ जिससे कि इसमें लम्स या गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और हमारा पेस्ट स्मूथ तैयार होगा। फ्रेंड्स, एक कप बेसन में मैं यहाँ 3/4 कप पानी डाल रही हूँ। बैटर को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे जिससे कि आपको सोडा या इनो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटर को यहाँ मैं 5 मिनट तक अच्छे से फेंट ले रही हूँ और 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ। अब मैं पनीर को स्क्वायर में काट ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 200 ग्राम पनीर यूज कर रही हूँ। पनीर को मैं पतले पतले स्लाइसेस में कट कर ले रही हूँ। सभी स्लाइसेस को कट करने के बाद पनीर के स्लाइसेस के ऊपर मैं आधा आधा चम्मच हरा धनिया का चटनी डाल के बराबर फैला ले रही हूँ। इसी तरीके से सारे पनीर के स्लाइसेस पे हम चटनी को अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ पे मैं पनीर को स्क्वायर में कट कर ले रही हूँ। कढ़ाई में तेल डाल के गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम उसमें पकौड़े डाल के तलेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें पकौड़ों को बैटर में अच्छे से डिप करके एक एक करके हम पकौड़ों को गरम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं पकौड़े को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। पकौड़े को उलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने पे मैं उसको निकाल ले रही हूँ। इसी तरीके से सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तैयार है हमारा पनीर का पकौड़ा। इसे मैं टमाटर की चटनी और साथ में हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार आप पनीर पकौड़ा ज़रूर ट्राई करिए। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा पनीर का पकौड़ा बन के तैयार है। जो बीच में मैं चटनी डाली हूँ जिससे हमारे पनीर के पकौड़े का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे कभी भी आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पनीर का पकौड़ा ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।